हेलो वॉसअप गाइस, आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ और आज है हमारे पास बोट अल्टिमा कनेक्ट स्मार्ट वॉच। तो आज हम इसका करेंगे अनबॉक्सिंग और साथ ही देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स यहाँ पे दिए हुए, जैसे वाटरप्रूफ है, इसमें हार्ट रेट और ब्लड ऑक्सीजन चेक कर सकते हैं हम लोग। साथ ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट और इसमें कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं जो कि हम अंदर एक्सप्लोर करेंगे कि क्या क्या इसमें दिया हुआ है। तो अभी पहले इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और देखते हैं कि हमें बॉक्स के साथ जो है वो क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे बॉक्स हमने निकाला है, काफ़ी डिसेंट सी पैकिंग इसमें देखने को मिल जाती है हमको। और यहाँ पे हमारा स्मार्ट वॉच रखा हुआ है, इसको निकालते हैं। पहले इसको साइड में रखते हैं और देखते हैं कि बॉक्स के अंदर जो है हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो इस बॉक्स को हम खोलते हैं और यहाँ पर दिया हुआ है कुछ डॉक्यूमेंटेशन और साथ में जो है वो दिया हुआ है एक केबल, चार्जिंग केबल जो हमको दिया हुआ है, जो मैग्नेट कनेक्टर के साथ देखने को मिल जाता है हमको। यहाँ पे जो है कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, ये रहा वारंटी कार्ड जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वारंटी कार्ड इसे हमें संभाल के रखना होगा। और ये सब तो कोई चीज़ें कोई ख़ास काम की नहीं। यहाँ पर हमें कुछ स्टिकर्स जो है वो देखने को मिल जाती हैं बोर्ड की तरफ से, जिसे हम चिपका सकते हैं किसी जगह हम चाहें तो। तो ये सारे बोर्ड की तरफ से स्टिकर हैं, ठीक है। तो इसको साइड में रखते हैं और अभी हम जो है देख लेते हैं केबल को। तो चार्जिंग केबल जो है वो काफ़ी डिसेंट सा है, इतना भी हम अच्छी क्वालिटी का नहीं कह सकते। काफ़ी कमज़ोर सी एक वायर लग रही है यहाँ पे, पर ठीक है, फिर भी काम चलाऊ है। तो अभी इन सभी चीज़ों को साइड में रखते हैं और हम बूट करते हैं अपने स्मार्ट वॉच को और फिर उसके अंदर देखते हैं कि हमें क्या क्या जो है वो फीचर्स इसमें देखने को मिलते हैं। इसको हम बॉक्स में वापस रख देते हैं और इसको हटा देते हैं साइड में। बात करें इस स्मार्ट वॉच के प्राइस की, तो ये मेरे को मिला है 1184 रुपीज़ में। बिग बिलियन डेज में ही मैंने मंगाया था, लेकिन उससे कोई ख़ास प्राइस में इफ़ेक्ट नहीं मेरे को देखने को मिला, क्योंकि अभी बिग बिलियन डेज जो है वो ख़त्म हो चुका है और अभी मैं चेक कर रहा हूँ तो वो 1199 जो है वो प्राइस दिखा रहा है। तो ये देखो, हमने जो है वो स्मार्ट वॉच को जो है वो ओपन कर लिया है। और बात करें इसके स्ट्रैप की, तो सिलिकन स्ट्रैप इसमें देखने को मिल जाता है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का स्ट्रैप हमको देखने को मिल जाता है। चलो, तो यहाँ पे हम लोग स्टिकर हटाते हैं और देख सकते हो काफ़ी बढ़िया लुक देखने को मिला है। ऑल ब्लैक है, यहाँ पे स्ट्रैप भी ब्लैक है और डिस्प्ले वगैरह सब ब्लैक दिख रहा है। तो ब्लैक कलर जो है वो स्पेशली जो है मुझे काफ़ी क्लासी लगता है, तो इसीलिए मैं प्रेफर करता हूँ ब्लैक मंगाना, खास करके स्मार्ट वॉचेस। तो अभी हम स्टिकर जो है इसके सेंसर पे जो लगा है उसको हटाते हैं और उसके बाद से इसको बूट करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या स्पेशलिटी जो है हमको देखने को मिलती है। तो स्टिकर हमने हटा दिया है सेंसर के ऊपर से और अभी जो है हम इसको बूट कर लेते हैं। तो हमारे स्मार्ट वॉच जो है वो पावर ऑन हो चुका है। सो अभी देख लेते हैं इसके डिफरेंट फंक्शंस के बारे में कि इसमें क्या क्या स्पेशल दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऊपर वाले नोटिफिकेशन बार को खोलते हैं, तो यहाँ पे हमको देखने को मिल जाता है ब्राइटनेस, जो कि काफ़ी डिसेंट सी ब्राइटनेस है और आप इसको ईजिली जो है वो बाहर भी यूज़ कर सकते हो, आपको कोई ज़्यादा परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। फिर जो लेफ़्ट साइड में आप में दिया हुआ है, ये नोटिफिकेशन का है, जो कि हमारा अभी स्मार्ट वॉच जो है हमने नहीं कनेक्ट किया अपने स्मार्टफोन से, तो हम इसका फ़ायदा नहीं ले सकते। सेटिंग में आपको इस वॉच फेसेस देखने को मिल जाएगी, इनबिल्ट यहाँ पे आपको चार वॉच फेसेस देखने को मिल रही हैं, लेकिन जब हम इसको ऐप से कनेक्ट करेंगे तो फिर वहाँ पर हमको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है वो वॉच फेसेस देखने को मिल जाएंगे और फिर हम उसको अच्छे से कस्टमाइज़ करके जो हमें पसंद है उस हिसाब से हम वॉच फेस लगा सकते हैं। और डाउनलोड ऐप का यहाँ पे ऑप्शन हमको देखने को मिल रहा है, यहाँ से हम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन यहाँ पे है कि हम किसी भी स्पोर्ट्स या क्रिकेट का जो है वो स्कोर्स यहाँ से हम लाइव देख सकते हैं, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट फंक्शन है इसमें। साथ में जब हम सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ कॉल का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अभी हमारा जैसे डिवाइस से कनेक्टेड नहीं है इसीलिए नहीं कर सकते, अगर हम कनेक्टेड करेंगे तो हम यहाँ पर कॉल इससे लगा सकते हैं, कॉल को रिसीव कर सकते हैं
और साथ में कॉल हिस्ट्री भी देख सकते हैं। फिर इसमें बहुत सारे एक्टिविटीज़ को भी हम यहाँ पे मेजर कर सकते हैं, जैसे रनिंग हो गया, बेसबॉल, योगा, डांसिंग, इन सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमको एक्टिविटीज़ के फंक्शन देखने को मिल जाती है। साथ में यहाँ पे हार्ट रेट हम मेज़र कर सकते हैं, ब्लड ऑक्सीजन मेज़र कर सकते हैं, स्लीप मेज़र कर सकते हैं, ब्रेथ ट्रेनिंग कर सकते हैं, ठीक है। और ये है फ्लैश लाइट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अंधेरे में हम इसको जलाएंगे तो हमें छोटी मोटी चीज़ें ढूंढनी हो, जैसे हमारा मोबाइल फ़ोन वगैरह, तो ये सब हम इससे ढूंढ सकते हैं। साथ ही कैमरा कंट्रोल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, म्यूज़िक कंट्रोल है, कैमरा कंट्रोल का हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम अपने फ़ोन से कनेक्ट कर देंगे और फ़ोन को कहीं पर प्लेस कर देंगे और हम अपने वॉच से जो है वो कैमरा को कंट्रोल कर सकते हैं, फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं एक्सेट्रा। तो अभी जो है हम अपने कलाई पे जो है इस वॉच को बांधते हैं और फिर इसका लुक देखते हैं, और साथ ही हम मेज़र करके देखेंगे ब्लड ऑक्सीजन और हार्ट रेट कि कैसा जो है वो बताता है। हालांकि स्मार्ट वॉचेस जो हैं वो एकदम एक्यूरेट तो हमको ब्लड ऑक्सीजन या फिर हार्ट रेट नहीं बताएंगी, लेकिन एक छोटा मोटा हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा ये बता रहा हो तो फिर हम डॉक्टर के पास जाके अच्छे से चेकअप करवा सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लुक की बात करें तो काफ़ी ही प्रीमियम लुक हमको देखने को मिल रहा है। आप जैसा देख सकते हो काफ़ी ही स्टाइलिश देखने को लग रहा है, ये काफ़ी क्लासी लग रहा है, क्योंकि ब्लैक कलर में है तो और भी ज़्यादा जो है वो क्लासी देखने को मिल रहा है ये वॉच। तो लुक के मामले में जो है मैं इसको पूरे 10 out of 10 नंबर देने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी जो है वो अच्छा जो है इसका लुक देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले जो है हम हार्ट रेट अपना मेज़र करके देखते हैं कि हमारा हार्ट रेट कितना बता रहा है। बात करें नॉर्मल हार्ट रेट की तो 60 से लेकर 100 के बीच में अगर हार्ट रेट रहता है तो वो काफ़ी स्टेबल और नॉर्मल उसको माना जाता है। बात करें मेरे हार्ट बीट की तो यहाँ पे ये थोड़ा सा ज़्यादा दिखा तो रहा है, 108, 109, 10, 11, 12, और देखो यहाँ पे मेरा हार्ट रेट जो है वो उसने 112 जो है वो बताया है, जो कि नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा हमको देखने को मिल रहा है। मैं एक बार फिर से मेज़र करता हूँ और देखता हूँ कि इस बार भी उतना ही बताता है या फिर थोड़ा सा कम दिखाता है या फिर डिफरेंट जो है हमको देखने को मिलता है। तो देख सकते हो जो इस बार जो हमारा हार्ट रेट जो आया है वो 110 आया है, जो कि पहले से थोड़ा कम है, बट अभी भी 100 से ज़्यादा ही मेरे को दिखा रहा है। तो चलो मैं बाद में जो है वो चेक करा लूँगा डॉक्टर वगैरह से कि क्यों इतना ज़्यादा देखने को मिल रहा है और वाकई में ज़्यादा है या फिर ये फिर वॉच ऐसा ही बता रहा है। अभी हम ब्लड ऑक्सीजन जो है वो मेज़र करते हैं। ब्लड ऑक्सीजन की नॉर्मल रेंज की बात करें तो वो होता है 95% to 100% अगर ऑक्सीजन रहा हमारे ब्लड में तो उसको नॉर्मल माना जाता है। तो अभी हम इसको मेज़र करके देख लेते हैं कि कितना ये वॉच के हिसाब से जो है हमारा ब्लड ऑक्सीजन बता रहा है। तो ये देखो 99%, यानी कि काफ़ी जो है वो नॉर्मल है ब्लड ऑक्सीजन मेरा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस दिक्कत मेरे हार्ट रेट में आ गई थी। साथ में हम स्लीप मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं इससे, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो है वो फंक्शंस देखने को मिल जाती है, जो कि हमारे डेली लाइफ में काफ़ी हमारे काम आ सकती है। तो वॉच की बात करें तो काफ़ी ही अच्छा लुक देखने को मिलता है इसमें, हर एक चीज़ जो है वो काफ़ी अच्छे क्वालिटी की है। प्राइस जो बात करें वो भी कोई ज़्यादा नहीं है, मीडियम रेंज में आता है, 1100 जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्राइस नहीं हुआ। लुक की बात करें तो वो देखने में काफ़ी हमको प्रीमियम देखने को मिलता है। स्ट्रैप की बात करें तो स्ट्रैप जो है वो भी काफ़ी जो है वो अच्छा क्वालिटी का हमको देखने को मिल जाता है। एक क्वालिटी ख़राब जो थी वो थोड़ी सी वायर की थी, चार्जिंग वायर की, पर उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें ज़्यादा चार्ज नहीं करना पड़ता इसको। एक सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें फंक्शन ये है कि ये वॉच जो है हमारा वाटरप्रूफ है, क्योंकि ये IP68 की रेटिंग जो है इसमें देखने को मिल जाती है और ये वाटरप्रूफ वॉच है, तो आप बारिश वगैरह में भीग गए या फिर कोई भी दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आने वाली इस वॉच के साथ। तो यही थी आज की वीडियो गाइज, उम्मीद है आपको पसंद आई हो। कि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना